हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक मॉडर्न कार वॉश सेंटर कम डिटेलिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज के ज़माने में जो कार वॉश एंड डिटेलिंग सेंटर्स होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, क्या क्या मशीन्स होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आज के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। ये एक कार वॉश सेंटर है, बेसिकली ये कोयम्बतूर में है। ये मेरी कोयम्बतूर विज़िट से ये वीडियो है। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग सेंटर तो मिलेगा ही, जैसे कि मैंने बताया, और जो कार वॉश है वो ऑटोमेटिक कार वॉश लगा हुआ है यहाँ पे, और ज़रूरत की सभी छोटी बड़ी चीज़ें जो है इस कार वॉश सेंटर में मौजूद हैं। और दोस्तों, ख़ास बात यहाँ की ये है कि इस कार वॉश एंड डिटेलिंग सेंटर में जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है 90% एक मैन्युफैक्चरर से आया हुआ है, और वो मैन्युफैक्चरर जो है बहुत ही क्वालिटी मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में। मैंने इनका फैक्ट्री भी विज़िट किया था, उसका वीडियो मैं किसी और एपिसोड में आपको दिखाऊँगा, बट आज के वीडियो में आपको ये डिटेलिंग सेंटर जो है विज़िट करवाएँगे हम। तो डिटेलिंग वोल्व्स है इनका नाम, ये कार वॉश एंड डिटेलिंग सेंटर इसी नाम से आपको कोयम्बतूर में मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा एरिया है, अलग अलग बेस बनाई हुई हैं, हर एक सेक्शन के लिए एक अलग से रूम बनाया हुआ है और वहाँ पे डेडिकेटेड वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आता है इनका डिटेलिंग सेंटर। देखिए कितना बड़ा हॉल है, इसके अंदर बड़ी से बड़ी गाड़ी फिट आ जाएगी, और लाइटिंग देखिए कितनी एडिकेट है, फ्रंट से प्रॉपरली ओपन है और ऊपर और साइडों से पूरी इल्यूमिनेशन है। पूरा का पूरा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा, एक लैडर है, एक टूल है बैठ के काम करने के लिए, और सारे के सारे केमिकल्स रखने के लिए ट्रॉलीज हैं, और मशीन्स की यहाँ पे भरमार दिखेगी, पैड्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे फुल फ्लेज तरीके से डिटेलिंग हो रही है, और ड्राई क्लीनिंग वगैरह की मशीन्स भी आपको दिखी। यहाँ पे सारी मशीन्स जो हैं वो शूमैक की हैं, तो यहाँ पे आप शूमैक की बहुत बड़ी और बोल्ड ब्रांडिंग भी देख सकते हो। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट बे आती है, तो नेक्स्ट बे जो है वो अलाइनमेंट वाली बे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट मशीन लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बे जो है ये हमारी ऑटोमेटिक कार वॉश मशीन है। तो यहाँ पर देखिए एक गाड़ी लगी हुई है, ये अभी अभी गाड़ी आई हुई है, और हम इस गाड़ी का पूरा आपको वॉशिंग का प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा एक लुक दिखा दूँ मैं आपको इनकी ऑटोमेटिक मशीन का, बहुत ही इनोवेटिव और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है इनकी। ये न्यू टेक्नोलॉजी है और काफ़ी इनोवेट किया है इन्होंने इस मशीन को बनाने के लिए। ये आर्म्स है जहाँ से फोम और पानी जो है निकलता है, रोबोटिक और ऑटोमेटिक आर्म्स हैं। इनका फंक्शनिंग भी अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये ऑपरेट होती हैं और किस तरीके से पूरी गाड़ी को कवर करती हैं चारों तरफ से। यहाँ पर अंडर बॉडी इनकी लेंस है, 15-16 नोजल्स हैं इसके अंदर, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, बहुत कम मूविंग पार्ट्स हैं। तो कम मूविंग पार्ट्स है, कम खराबी का चांस है। तो ये नीचे से प्रॉपर एकदम क्लीनिंग कर देती है ये अंडर बॉडी लेंस, तो इसका भी मैं आपको वर्किंग जो है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर लड़के लगे हुए हैं, वैक्यूमिंग हो रही है, और फोमिंग के लिए एक डेडिकेटेड फोम टैंक रखी गई हुई है यहाँ पर। यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा है, ये कंट्रोल पैनल से मशीन जो है ऑपरेट होती है, ऑटोमेटिक मशीन जो है, इसकी सारी फंक्शनिंग जो है इसी ऑटोमेटिक पैनल से जो है ये ऑपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैनुअल वॉशिंग के लिए एक बे बनाई गई हुई है, जिसमें मैनुअल अगर वॉशिंग करनी है तो लिफ्ट दी गई हुई है, जिस पे जब गाड़ी चढ़ेगी तो ये प्लेटफॉर्म लिफ्ट है। इसमें कोई भी माउंटिंग वगैरह नहीं करनी है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा होता है। इसमें गाड़ी सीधा टायर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और प्लेटफॉर्म के सहित जो है गाड़ी ऊपर उठ जाती है, काफ़ी फास्ट ऑपरेशन है इसका। तो अंडर बॉडी के लिए लिफ्ट दी हुई है, और गाड़ी को वॉश करने के लिए प्रेशर वॉशर दिया हुआ है, बैक एंड में प्रेशर वॉशर है, यहाँ पे खाली पाइप से आया हुआ है, और ऊपर आप देख रहे हैं एक रोटेटिंग बूम दी हुई है। रोटेटिंग बूम का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इससे जो पाइप है वो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करती है। देखिए पाइप लेके ऑपरेटर जो है गाड़ी के चारों तरफ घूम सकता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और इससे पाइप की लाइफ भी बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब ज़मीन पर पाइप पड़ी होती है तो हम उसे खींचते हैं, उसे रगड़ लगती रहती है, और जो वॉश सेंटर्स के ओनर हैं उनको पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ही बढ़िया से बढ़िया पाइप जो है वो फट जाती है, तो इससे उस चीज़ से आप बच जाते हो। अब नेक्स्ट बे की तरफ अगर चलें तो
तो ये एक यूटिलिटी बे है, यहाँ पे इनके केमिकल्स, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, लड़कों ने अपने कपड़े धो के रखे हुए हैं, एक्सेसरी मशीन्स, जो बैकएंड वाली मशीन्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पे शेयर नहीं करने वाले हैं, कंप्रेसर वगैरह सब कुछ यहीं पे इंस्टॉल्ड है। तो ये बेसिकली पावर प्लांट है इस पूरे वॉशिंग सेंटर का। तो कंप्रेसर काफ़ी पावरफुल लगाया गया हुआ है क्योंकि पूरे वॉशिंग सेंटर में जितनी भी न्यूमेटिक मशीन्स हैं वो इसी से पावर होती हैं। टायर चेंजर देख सकते हैं, टायर का भी काम अगर करना हो तो पूरा का पूरा इस वॉशिंग सेंटर में हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिलिंग मशीन भी आपको मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया सेटअप बनाया गया हुआ है, ऑल इन वन सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे व्हील बैलेंसर दिख रहा है आपको, तो व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, टायर चेंजिंग सब कुछ, मैकेनिकल काम करने के लिए टू पोस्ट यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई गई हुई है। और जो अपने लेफ्ट साइड में आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस और कस्टमर्स के लिए वेटिंग एरिया सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो देखिए ऊपर आपको सब कुछ लेबलिंग सब कुछ मिल रही है, कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे ये मैनुअल वॉश डैन है, ये टचलेस वॉश डैन है। तो पूरी की पूरी एक थॉटफुली इस वॉशिंग सेंटर को बनाया गया हुआ है बढ़िया तरीके से, और सीक्वेंस वाइज बनाया गया हुआ है। गाड़ी एक एंड से अंदर जाएगी और दूसरे एंड से बाहर आएगी, तो इस तरीके से टाइम भी कम लगता है और वॉशिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है। अब बात करें ऑटोमेटिक मशीन की, जहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी लग चुकी थी, जहाँ पे वॉशिंग स्टार्ट हो रही थी उसकी, तो ये देखिए ये व्हील आरजेस क्लीन कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट गन दी हुई है इस ऑटोमेटिक वॉश सेटअप में, तो व्हील आरजेस जो हैं वो रह जाती हैं, इसलिए व्हील आरजेस को मैनुअली ही करना पड़ता है। तो मैनुअल कामों में सबसे पहले तो आपको वैक्यूमिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो अंदर से है, तो अंदर तो आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। व्हील आरजेस भी मैंने आपको बता दिया, और साथ में जब फोमिंग होती है उसके बाद स्क्रबिंग जो करनी होती है वो भी मैनुअल ही होती है, और लास्ट में जो गाड़ी की ड्राइंग होती है वो भी मैनुअल होती है, बाकी सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक रहता है इसमें। तो अब यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक वॉशिंग का सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर ने जो भी बटन्स के कॉम्बिनेशन थे वो वहाँ पर दबाए, और यहाँ पर मशीन जो है वो चालू हो गई। सबसे पहले अंडर बॉडी क्लीन होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखिए अंडर बॉडी वॉशर जो है उसकी 15-16 नोजल्स जो हैं उनसे पानी निकल रहा है, हाई प्रेशर पानी निकल रहा है, और ये जो लेंस है ये पीछे की तरफ मूव कर रही है, मूव करते करते पीछे की तरफ आ रही है। ये देखिए कितना बढ़िया और कितना हाई प्रेशर निकल रहा है। अब ये एक बारी आगे जाएगी तो इसका पूरा एक रोटेशन रहता है, एक बारी पीछे आती है, एक बारी आगे जाती है, और पानी कंटिन्यू निकलता रहता है, और इतने में ही गाड़ी जो है पूरी क्रिस्टल क्लियर और क्लीन हो जाती है नीचे से। तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेप स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे अगर रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो आगे जाके मिल गई हुई हैं, पहले वो साइड पे थी, अब देखिए पानी, हाई प्रेशर पानी जो है वो स्प्रे होना स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ आर्म्स जो है वो मूव करना भी स्टार्ट हो गई हैं, और एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गाड़ी से ये आर्म्स जो हैं पीछे आती जा रही हैं, और साथ ही साथ हाई प्रेशर वाटर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्प्रे करती जा रही हैं पीछे तक। अब ये पीछे तकरीबन पूरा आ गई हुई हैं, अब दोबारा से ये पीछे से क्लोज़ हो जाएंगी और जो बैक पोर्शन है गाड़ी का उसको भी बढ़िया तरीके से रिंज कर देंगी। तो यहाँ पे रिंजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फोमिंग स्टार्ट हो गई हुई है। अब फोमिंग का भी एक पूरा का पूरा साइकिल जो है, चक्कर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आगे जाके ये रुक जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कितने कम समय में हमारी रिंजिंग और फोमिंग कंप्लीट हो गई। अब क्या है, मैनुअल फिर से इंटरवेंशन हो जाएगी, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लड़के जो हैं वो स्टार्ट हो गए स्क्रबिंग करने के लिए। तो 2-3 मिनट का टाइम लगा स्क्रबिंग करने के लिए, अब स्क्रबिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मशीन जो है दोबारा से पानी स्प्रे करना स्टार्ट कर चुकी है। आर्म्स जो हैं वो अपना निर्धारित जो उनका पाथ है उसके अकॉर्डिंग जो है आर्म्स मूव कर रही हैं, और साथ ही साथ हाई प्रेशर वाटर जो है वो भी स्प्रे कर रही हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और एफिशिएंट तरीका है जिससे आपका टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, और ज़्यादा मैन पावर नहीं लगेगी इस वॉशिंग सेंटर में। क्योंकि ये डिटेलिंग सेंटर भी है तो काफ़ी ज़्यादा आपको लड़के देखने को मिल रहे हैं, बट अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है तो एक या दो लड़कों से भी आपका पूरा काम हो सकता है, और आप दिन की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो कवर कर सकते हैं, और काफ़ी हाई प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं।
तो आप देखिए आर्म जो हैं वो पीछे तक पहुंच गई और ये एक पूरा राउंड कंप्लीट करके अब ये आर्म जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी, इनसे पानी निकलना बंद हो जाएगा और उसके बाद आर्म जो हैं वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे जाके खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा मैनुअल वर्क जो है कपड़ा शपड़ा मारना वो बचता है, उसको करने के बाद आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी डिलीवरी के लिए। तो पूरे प्रोसेस में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और 15 मिनट में आपकी एक गाड़ी तैयार हो जाती है और उसी 15 मिनट में आप जो लाइन में खड़ी दूसरी गाड़ी है उसका वैक्यूम वगैरह कंप्लीट करके और इस प्रोसेस को कंटिन्यू तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेंस के ऊपर पानी आ गया और हमने नोटिस नहीं किया और पूरा वीडियो इसी तरीके से शूट हुआ और अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल रिजल्ट्स आपको नहीं दिखा पाए यहाँ पर, लेकिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए और काफ़ी ज़्यादा टाइम की सेविंग हुई। लास्ट में बात करें वाटर कंजम्पशन और पावर कंजम्पशन की, तो दोस्तों मैनुअल मशीनें जो होती हैं हमारी 4-5 HP की, उनके जितनी ही इसकी पावर कंजम्पशन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों मैनुअल मशीनें जो है काफ़ी लंबे टाइम के लिए रन करती हैं, जहाँ पे वो 10-15 मिनट के लिए हमें चलानी पड़ती हैं, बट ये मशीन जो है 1 या 2 मिनट के लिए ही चलती है, तो इसलिए इसकी वजह से इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 10-15 लाख की रेंज में आपको ये बहुत ही बढ़िया मशीन मिल जाती है, हाई पावर मशीन है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आपको मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल की मशीन बनी हुई है। इसके अंदर जो स्टेनलेस स्टील यूज़ किया है वो भी हाईएस्ट ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं और ऐसा ही जैसा सेटअप आप भी लगाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, कंपनी से आपको डेफिनेटली हम कॉल करवाएंगे और आप भी ऐसा सेटअप और ऐसी मशीन्स अपने कार वॉशिंग सेंटर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही जैसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगे, अगर इन सब चीज़ों को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बस एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय।